कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सेफ हरिद्वार अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें घर घर जाकर लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों का डाटा एकत्रित कर रही है। इस कार्य के लिए आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण देकर उनकी टीम गठित की गई है। इन टीमों ने ज्वालापुर, जगजीतपुर, रुड़की और लक्सर तहसील में सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी ने कोरोना किट भी दी है। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि अभियान के तहत डाटा एकत्रित करने के बाद उन पर नजर रखी जाएगी। अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का जो है सर्वेक्षण करेंगे, उसमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करेंगे ताकि बुजुर्ग लोग और बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं, बच्चों, इस प्रकार का जो है सभी लोगों के बारे में सूचना जो है इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें कोरोना योद्धा के रूप में हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स इसमें जो है फील्ड में जाएंगे, तो इनके लिए जो है एक किट उपलब्ध किया जा रहा है। इस किट में जो है विभिन्न सामग्री जो है अत्यावश्यक सामग्री जो है उनको दे रहे हैं, तो आज जो है उनको सभी उपलब्ध करा रहे हैं। सर्वे अभियान में लगे रेड क्रॉस सोसाइटी और सर्वे टीम के समन्वयक डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि डाटा एकत्रित करने के बाद बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जैसे हमारा पोलियो का हम डोर टू डोर जाते हैं, एक भी घर नहीं छोड़ते हैं, तो सर ने उसी तरीके से टीम बनाई गई है जिसमें एक आंगनबाड़ी है और एक आशा कार्यकर्ता, तो ये टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। और सर्वे का जो फॉर्मेट सर ने बनवाया है, डेंगू को भी इसमें जोड़ा गया है क्योंकि डेंगू का सीजन आ रहा है, तो उसके लिए भी ये अवेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें पेंशन कोई उसको मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो वो भी एक इस तरह के डाटा जिसमें तैयार किए गए हैं, जिसमें जो भविष्य में कहीं भी किसी को भी जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं उसका लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये कोरोना महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, इसमें भी सब लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयर किए जा रहे हैं।